फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आप समझ गया होगा कि आज मैं किसका इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं सना सैयद जी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने जा रही हूँ। आज इनका नया टीवी शो आ रहा है, लॉकडाउन की लव स्टोरी। तो टीवी पे मैंने एक शॉर्ट क्लिप देखी थी इस शो की, तो मुझे उसमें जो इन्होंने एक ड्रेस पहनी थी और जो लुक था इनका सोबर एंड सिंपल सा, वो लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लुक क्रिएट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपने फेस को हाइड्रेट। तो सबसे पहले लेते हैं गुड वाइफ का पोमिगेट टोनर। तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो 2 मिनट तक वेट करते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ निविया क्रीम। जैसे आप जानते हो कि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो निविया बहुत अच्छा वर्क करती है उस पर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का प्राइमर। ये फेस प्राइमर है। प्राइमर मैं हर बार बोलती हूँ मेकअप करने से पहले ज़रूर लगाना चाहिए। पिन पोर्स जो होते हैं श्रिंक कर जाते हैं, तो इससे आपका जो मेकअप प्रोडक्ट है वो अंदर नहीं पहुँचता है। जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे फाउंडेशन है या अदर कोई चीज़ यूज़ करते हो, तो वो अंदर नहीं पहुँचता है, जिससे आपकी स्किन ख़राब नहीं होती है, सेफ़ रहती है। इसलिए प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए। मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये है ब्लू हेवन का फाउंडेशन, मैं इसको आज यूज़ कर रही हूँ। और ये सबसे सस्ता फाउंडेशन है। इसका पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो मैं हैंड पे थोड़ा सा फाउंडेशन निकाल लूँगी। आप डायरेक्ट चाहो तो एप्लीकेटर से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फाउंडेशन हैंड पे निकाल लिया है। सना सैयद जी जो हैं, उनका सबसे पहला टीवी शो मैंने जो देखा था वो दिव्य दृष्टि था। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, जिसमें उनको एक मैजिक जैसे दूर से देखने वाली दृष्टि मिली थी। तो वो रोल उन्होंने प्ले किया था, वो भी बहुत अच्छा लगता था देखने में। जिस सीरियल का आज मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ, उस सीरियल का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और आज से वो सीरियल शुरू हो रहा है, तो मैं ज़रूर देखूँगी उस सीरियल को। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। अगर आप हैंड से करना चाहो तो हैंड से भी कर सकते हो, मगर ब्यूटी ब्लेंडर की बात अलग होती है। एक इवन टोन जैसा ब्लेंड होता है, ब्रश से भी आप कर सकते हो। तो मैं डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। थोड़ी सी आईब्रो को फिल करूँगी अच्छी तरह से। तो ये है NYV का कंसीलर। तो मैं कंसीलर तो अप्लाई करने जा रही हूँ, और स्टिक फॉर्म में है ये। फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। जिनकी ड्राई स्किन है, ये कंसीलर उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा से क्रीम फॉर्म में कंसीलर है। तो मुझे तो ये
अच्छा लगा। आई शेडो पैलेट में से मैं ले रही हूँ पिंक शेड, ये एकदम लाइट पिंक है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। आई बेस के लिए मैं यही शेड ले रही हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हो कितना लाइट शेड है, तो मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने दूसरी आई पे भी अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट शेड मैं लूँगी पिंक है, ये थोड़ा सा मैट पिंक शेड है, तो मैं वही शेड लूँगी। तो आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर पर ले जाऊंगी वी शेप में। और अच्छी तरह से इसको इनसाइड में ब्लेंड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। इसी तरह से मैंने इस आई पे भी कर लिया है। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। मैंने काजल अप्लाई कर लिया है, तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ब्लू हेवन का, ब्लू काजल है। मैं थोड़ा सा लुक दूंगी जैसे उनकी आई में है। तो मैंने बहुत लाइट से अप्लाई किया है, इसी तरह से मैं दूसरी आई में भी अप्लाई करूंगी। तो मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लू काजल, आप देख सकते हो बहुत लाइट से अप्लाई किया है। तो अब करते हैं कॉन्टोरिंग, क्योंकि वो उनका फेस थोड़ा सा स्लिम है, तो मैं हूँ चबी चबी, आपको पता ही है। तो मैं करती हूँ कॉन्टोरिंग। ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करते हैं, इसे हम अपसाइड ब्लेंड करेंगे। जो फेस के शेप्स होते हैं, कट्स होते हैं, वो अलग से पता चलने लगते हैं कॉन्टोरिंग से, इसलिए कॉन्टोरिंग की जाती है। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्लशर, बहुत लाइट वाला शेड यूज़ करेंगे। थोड़ा सा नेचुरल लुक देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर, ये द फैशन का लिप लाइनर है, और मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, मैंने ऑफ कर दिया था। कोशिश कर रही हूँ जो शेड उन्होंने लगाया है वही शेड मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो सेम वही शेड आ गया है, तो आपको पता है कि मैं लिपस्टिक में मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। तो अब मैं छोटा सा लॉकेट पहनने जा रही हूँ जैसे उन्होंने पहना है, हल्का सा। तो ये देखिए मैंने पैंडल पहन लिया है। तो मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी,
आई होप आपको ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा है। तो मैं जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए, तब तक के लिए बाय।